श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद पांचवा अध्याय। पांचवें अध्याय में सृष्टि का वर्णन है। नारद जी ने पूछा कि आप केवल मेरे जो है पिता ही नहीं सबके पिता हैं, समस्त देवताओं से श्रेष्ठ हैं, सृष्टि के कर्ता है, आपके चरणों में मेरा बारंबार जो है प्रणाम है। नारद जी ने पूछा पिताजी आप मुझे वो ज्ञान दीजिए जिससे आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है, इस संसार के क्या लक्षण हैं और इसका आधार क्या है, इसका निर्माण किसने किया और इसका प्रलय किस में होता है और यह किसके अधीन है और वास्तव में ये है क्या वस्तु, आप इसी तत्व को समझाइए हमारे को। आप तो ये सब कुछ जानते हैं क्योंकि जो कुछ हुआ है, जो कुछ हो रहा है या जो कुछ हो रहा होगा उसके स्वामी आप ही हैं और यह सारा संसार हथेली पर रखते हुए आंवले के समान आपकी ज्ञान की दृष्टि अंतर्गत ही है। और पिताजी आपको यह ज्ञान कहाँ से मिला, आप जो है किसके आधार पर ठहरे हुए हैं, आपका स्वामी कौन है और आपका स्वरूप क्या है, आप अकेले ही अपनी जो है माया से पंचभूतों के द्वारा प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं और कितना अद्भुत है ये सब काम। जैसे मकड़ी होती है तो अनायास ही अपने मुंह से जाला निकाल करके और उसमें खेलने लगती है, वैसे ही आप अपनी शक्ति के आश्रय से जीवों को अपने में ही उत्पन्न करते हैं और फिर आप में ही जो है कोई विकार नहीं होता। जगत के नाम रूप और गुणों से जो कुछ जाना जाता है उसमें मैं ऐसी कोई सत असत उत्तम या मध्यम या अधम वस्तु नहीं देखता जो आपके सिवा किसी से उत्पन्न हुई हो। और इस प्रकार सबके ईश्वर होकर के भी आपने एकाग्रचित होकर के घोर तपस्या किया, इस बात से मुझे जो है मोह के साथ साथ बहुत बड़ी शंका भी हो जा रही, बहुत बड़ी शंका होती जा रही है। आपसे बड़ा और कोई है क्या, पिताजी आप सर्वज्ञ हैं और सर्वेसर हैं, जो कुछ मैं पूछ रहा हूँ वो सब आप कृपा करके मुझे इस प्रकार समझाइए जिससे मैं आपके उपदेश को ठीक ठीक समझ सकूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा नारद तुमने जीवों के प्रति करुणा के भाव से व्यवहार करके ये बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है क्योंकि ऐसा प्रश्न जो है कोई नहीं करता। ये श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा को कोई जो है बिरला ही सुनता है, कोई भाग्यवान पुरुष ही इसको जो है ग्रहण करता है। भगवान के गुणों का वर्णन करने की प्रेरणा जब हमें प्राप्त हुई है तो तुम्हें जो है मेरे विषय में जो कुछ कहा है वो कथन भी असत्य नहीं है, क्योंकि जब तक मुझसे परे तत्व है स्वयं ही जो है भगवान है और जब तक जो है जान नहीं लिया जाता तब तक मेरा ऐसा प्रभाव प्रतीत होता है कि जैसे सूर्य है, अग्नि, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होकर के जगत में प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही मैं भी उन्हीं स्वयं प्रकाश भगवान का चिन्ह में प्रकाश से प्रकाशित होकर के संसार को
प्रकाशित कर रहा हूँ और उन जो है भगवान वासुदेव की मैं जो है वंदना करता हूँ और ध्यान भी करता हूँ, जिनकी दुर्जय माया से मोहित होकर के लोग मुझे जो है सतगुरु कहते हैं, जगत गुरु कहते हैं। और ये माया तो उनकी जो है आँखों के सामने ही ठहरती नहीं, जिन्हें झेप करके दूर से ही भाग जाती है, परंतु संसार के अज्ञानी जन जो है उसी से मोहित होकर के मैं हूँ और ये मेरा है इसी प्रकार से कहते रहते हैं। तो भगवत स्वरूप नारद जी जो है द्रव विक्रम काल स्वभाव और जीव के वास्तविक भगवान के भिन्न भिन्न जो है कोई वस्तु नहीं है। वेद नारायण के परायण हैं, देवता भी नारायण के अंगों में ही कल्पित हुए हैं और समस्त यज्ञ भी जो है नारायण में ही कल्पित हैं और नारायण की प्रसन्नता के लिए हैं, तथा उनसे जिन लोगों की प्राप्ति होती है वह ही नारायण में ही कल्पित हैं। सब प्रकार से योग भी नारायण की प्राप्ति के ही हेतु हैं। सारी जो है तपस्याएं नारायण की ओर ही ले जाने वाली हैं। ज्ञान के द्वारा नारायण जो है जाने जाते हैं, बिना ज्ञान के कुछ नहीं पता चल सकता। समस्त ध्याय और साधनों का पर्यवसन भगवान नारायण में ही है और वही जो है दृष्टा होने पर भी ईश्वर हैं, स्वामी हैं, निर्विकार होने पर भी सर्व स्वरूप हैं और उन्होंने ही मुझे बनाया है और उन्हीं की दृष्टि से ही प्रेरित होकर के मैं उन्हीं की इच्छा के अनुसार इस सृष्टि का रचना करता हूँ, ऐसा ब्रह्मा जी नारद को समझा रहे हैं। भगवान माया के गुणों से रहित हैं, अनंत हैं, सृष्टि स्थिति और प्रलय के लिए रजोगुण सतोगुण और तपोगुण ये तीन गुण के माया के द्वारा उनमें स्वीकार किए गए हैं और ये तीनों ही गुण द्रव्य और ज्ञान क्रिया के आश्रय लेकर के मायातीत जो है नित्य मुक्त होकर के पुरुष को ही माया में स्थित होने पर कार्य कारण और कर्ता के अभिमान से बांध लेते हैं। भगवान कहते हैं कि हे नारद जी, इंद्रातीत भगवान गुणों के इन जो है तीन आवरणों से अपने स्वरूप को भलीभांति से ढक लेते हैं, इसीलिए लोग उनको जो है नहीं जान पाते हैं। सारे संसार के और मेरे ही एकमात्र स्वामी वही हैं और मायापति भगवान ने एक से ही बहुत होने की इच्छा होने पर भी अपनी माया से अपने स्वरूप को स्वयं जो है प्राप्त काल कर्म और स्वभाव को स्वीकार कर लिया। भगवान की शक्ति से ही काल ने तीनों गुणों में क्षोभ उत्पन्न कर दिया। स्वभाव ने जो है रूपांतरित कर दिया है और कर्म के महत्व को जन्म दिया। रजोगुण और सतोगुण की वृद्धि जब होती है होने पर महत्व का जो विकार हुआ उसी से ज्ञान क्रिया और द्रव्य रूप तथा तम प्रधान विकार हुआ और वो अहंकार कहलाया और विकार को प्राप्त हो करके तीन प्रकार हो गया और उसके जो है भेद इस प्रकार से हैं। वैकारिक तेजस और तामस नारद जी कहते हैं कि जो क्रमशः ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति का प्रधान है और जब पंच महाभूतों के कारण रूप तामस अहंकार में विकार हुआ और तब उससे जो है आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश की तमन्ना और गुण ये शब्द हैं और इन शब्द के द्वारा ही दृष्टा और जो है दृश्य का बोध होता है और जब आकाश में विकार हुआ तब उससे जो है वायु की उत्पत्ति हुई। इसका भी जो है गुण स्पर्श है, अपने जो है कारण का गुण आ जाने पर वो शब्द वाला भी है और इंद्रियों में जो है स्फूर्ति, शरीर में जो है जीवनी शक्ति, ओज और बल इसी रूप में है। काल कर्म और स्वभाव से वायु भी जो है विकार हुआ और उससे तेजस की उत्पत्ति हुई और इसका प्रधान गुण जो है रूप है, साथ ही इसके कारण आकाश और वायु के शब्द जो है
गुणमय यवें स्पर्श में इसी में है। तेज के विकार से जल की उत्पत्ति हुई और इसी का जो है गुण है रस, कारण तत्व गुण शब्द और स्पर्श रूप इसमें है। और जल के विकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है और इसी का गुण है गंध। और कारण यह है कि गुण कार्य में ही आते हैं और इस न्याय से शब्द स्पर्श रूप और रस चार प्रकार के गुण जो है इसी में विद्यमान रहते हैं, इसी में रहते हैं। वैकारिक अहंकार से मन की और इंद्रियों की 10 अधिष्ठात देवताओं की भी उत्पत्ति हुई है। उनके नाम इस प्रकार से हैं, दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र और प्रजापति। तेजस अहंकार के विकार से श्रोत, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और घ्राण ये 5 जो ज्ञान इंद्रियाँ हैं। और वाक, हस्त, पाद, गुदा, जननेन्द्रियाँ ये 5 जो है कर्मेंद्रियाँ उत्पन्न हुई हैं। साथ ही हमारे ज्ञान शक्ति रूप, बुद्धि रूप और क्रिया शक्ति रूप प्राण भी जो है तेजस अहंकार से ही उत्पन्न हुए हैं। श्रेष्ठ जो है ब्रह्मवित और जिस समय से ये पंचभूत इंद्रियाँ मन और सत्तादि जो है तीनों गुण परस्पर संगठित नहीं थे और तब अपने रहने के लिए भोगों के साधन रूप शरीर की रचना नहीं कर सके, और जब भगवान ने इन्हें जो है अपनी शक्ति से जब प्रेरित किया और तब वो तत्व जो है परस्पर एक दूसरे के साथ मिल गए और उन्होंने आपस में कोई ऐसा जो है कारण भाव स्वीकार करके व्यक्ति समविष्टि रूप जो है पिंड और ब्रह्मांड दोनों की रचना किया और वही जो है ब्रह्मांड रूप जो है अंडा का 1,000 वर्ष तक निर्जीव रूप में जल में वो अंडा जो है पड़ा रहा। और फिर जो है काल कर्म स्वभाव स्वीकार करने वाले भगवान ने उसे जीवित किया और उसी अंडे को फोड़ करके और उसी में से ही विराट पुरुष निकला और जिनकी जंघा, चरण, भुजाएं, नेत्र और सिर जो है 1,000 संख्या में थे, विद्वान पुरुष उपासना के लिए उसी अंगों के समस्त लोक और उसमें रहने वाली वस्तुओं की कल्पना करते हैं और उसकी कमर के नीचे अंगों में 7 पाताल लोक की और उसके पेड़ों से ऊपर अंगों के 7 स्वर्ग की कल्पना की जाती है। तो ब्राह्मण जो है इस विराट पुरुष का मुख है, भुजाएं क्षत्रिय हैं, जंघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। तो पैरों से लेकर के कट पर्यंत 7 पाताल तथा भूलोक की कल्पना की गई है। नाभि में जो है भोरलोक की, हृदय में सूर्यलोक की और परमात्मा के वक्षस्थल में महलोक की कल्पना की गई है। और उसके जो है गले में जनलोक और दोनों भुजाओं अस्तनों में तपलोक और मस्तक में ब्रह्मलोक और नित्य निवास संस्थान में सत्यलोक हैं। और उस विराट पुरुष की जो है कमर में अतल, जंघा में वितल, घुटनों में पवित्र जो है सुतल लोक और जंघाओं में जो है तलातल की कल्पना की गई है। एड़ी के ऊपर गांठ में महातल, पंजे और एड़ी के बीच में रसातल और तलुओं के जो है पाताल में इस प्रकार से जो है पाताल लोक समझना चाहिए। इस प्रकार विराट पुरुष जो है सर्वलोकमय है। विराट भगवान के अंग में इसी प्रकार के लोकों की कल्पना की जाती है और उनके चरणों में जो है पृथ्वी विराजमान है, नाभि में जो है भोरलोक है और सिर पे जो है स्वर्गलोक है। इति श्रीमद्भागवत महापुराण द्वितीय स्कंध 5वां अध्याय संपूर्णम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो कृष्ण भगवान की जय।